कहानी का नाम है औलाद। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय हो ना पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत इख्तियार ना कर सकता। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके माँ बाप ने एक रनवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज़्यादा हो। साहब रोज़गार थे, मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर महीने 500-600 रुपये कमा लेते थे। जुबैदा बड़ी फरमाबरदार लड़की थी। उसने अपने वालदैन का फ़ैसला मंजूर कर लिया, चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खाविंद यानी कि शौहर, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। वो जुबैदा की हर आसान सी ख्वाहिश का ख्याल रखता था। कपड़ों की कोई कमी नहीं, हालांकि दूसरे लोग उनके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B के लट्ठे, शनून के और 2 घोड़े की बोस्की के थानों के थान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन गई तो उसने ड्योढ़ी में कदम रखते ही बैन करने की आवाज़ सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने के बायस मर गया है। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। जुबैदा ने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि अगर वो इजाज़त दे तो वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाज़त की क्या बात करती हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ है। जाओ उन्हें ले आओ, सामान वगैरह लाने का बंदोबस्त मैं अभी कर देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया था, चुनांचे वो भी पहुँच गया। घर काफ़ी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा दुरुस्त कर दिया गया। जुबैदा की माँ बहुत अपने दामाद के हुस्न सुलूक के बहुत मुतासर रहने वाली औरत थी। उनके जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हज़ारों की मालियत का था, अपने दामाद को दे दें कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज़्यादा कमाए। मगर वो तबीयतन कंजूस थी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। हालांकि मेरे पास तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपये मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुलका सेक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी बातें जाने दो, मैंने ये सब रुपए और जेवर इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सब कुछ उसको तोहफे के तौर पर दूँ। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि उसकी बेटी के यहाँ अभी तक बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ है। उसकी बेटी की शादी हुए 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नज़र नहीं आते थे। वो जुबैदा को कई हकीमों के पास ले गई। उसने जुबैदा को कई माजून, कई सफूफ, कई कुर्स खिलवाए, मगर खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना हुआ। फिर उसने पीरों फकीरों से रुजू किया, टोने टोटके इस्तेमाल किए, तावीज़ और धागे भी, मगर मुराद बरनाई। आखिर जुबैदा तंग आ गई। एक दिन उसने उकता कर अपनी माँ से कहा, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बिसोर कर कहा, बेटा ये बहुत बड़ा किस्सा है, तुम्हारी अक्ल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती हो कि औलाद का होना कितना ज़रूरी है। इसी से तो इंसान की ज़िंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने फुलका चंगेर में रखा। मैं क्या करूँ, बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी माँ ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा खुद अल्लाह मियाँ के हुजूर हज़ारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो करम से उसकी गोदी हरी कर दे, मगर उसकी उन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था।
جب اس کی ماں نے ہر روز اس کے ساتھ بچے کی پیدائش کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دیں تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بنجر زمین ہے جس میں کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا۔ راتوں کو وہ عجیب عجیب سے خواب دیکھنے لگی، بڑی اوٹ پٹانگ قسم کے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ لکودک صحرا میں کھڑی ہے اور اس کی گود میں ایک گل گوتھنا سا بچہ ہے جسے وہ ہوا میں اتنے زور سے اچھالتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ ایسے بستر میں لیٹی ہوئی ہے جو ننھے منھے بچوں کے زندہ اور تازے گوشت سے بنا ہوا ہے۔ ایسے خواب دیکھ دیکھ کر اس کا دل و دماغ پریشان ہو گیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، یہ کس کا بچہ رو رہا ہے؟ اس کی ماں نے اپنے کانوں پر زور دے کر بچے کے رونے کی آواز سننے کی کوشش کی اور جب اسے کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے کہا، کوئی بچہ رو نہیں رہا ہے۔ نہیں ماں، رو رہا ہے، بلکہ رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، یا تو میں بہری ہو گئی ہوں یا تمہارے کان بجنے لگے ہیں۔ زبیدہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے کانوں میں دیر تک کسی نوزائیدہ بچے کے رونے اور بلکنے کی آواز آتی رہی۔ اس نے کئی بار یہ بھی محسوس کیا کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ اتر رہا ہے، مگر اس نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے نہ کیا۔ جب وہ اندر اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گئی تو اس نے قمیض اٹھا کر دیکھا کہ اس کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہیں۔ بچوں کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں اکثر ٹپکتی رہتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سب واہمہ ہے، حقیقت صرف یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مسلسل ہتھوڑے پڑتے رہتے ہیں کہ اس کے بچہ کیوں نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی بڑی شدت سے وہ خلا محسوس کرتی ہے جو کسی بیاہی عورت کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت اداس رہنے لگی۔ محلے میں بچے شور مچاتے تو اس کے کان پھٹنے لگتے اور اس کا جی چاہتا کہ باہر نکل کر ان سب کو گلا گھونٹ دے۔ اس کے شوہر علم الدین کو اولاد وولاد کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ اپنے ویاپار میں مگن تھا۔ کپڑے کے بھاؤ روز بروز چڑھ رہے تھے، آدمی چونکہ ہوشیار تھا اس لیے اس نے کپڑے کا کافی ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ اس کی ماہانہ آمدن پہلے سے دوگنا ہو گئی تھی۔ شوہر کی آمدن کی زیادتی سے زبیدہ کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کا شوہر اس کو نوٹوں کی گڈی دیتا تو وہ اسے اپنی جھولی میں ڈال کر دیر تک لوری دیتی رہتی، پھر وہ اسے اٹھا کر کسی خیالی جھولنے میں بٹھا دیتی۔ ایک دن علم الدین نے دیکھا کہ وہ نوٹ جو اس نے اپنی بیوی کو لا کر دیے تھے دودھ کی پتیلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا کہ وہ کیسے وہاں پہنچ گئے۔ اس نے زبیدہ سے پوچھا، یہ نوٹ دودھ کی پتیلی میں کس نے ڈالے ہیں؟ زبیدہ نے جواب دیا، بچے بڑے شریر ہیں، یہ حرکت انہی کی ہوگی۔ علم الدین بہت ڈرک گیا، لیکن یہاں بچے کہاں ہیں؟ زبیدہ اپنے خاوند سے کہیں زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں؟ ابھی اسکول سے واپس آتے ہوں گے، ان سے پوچھوں گی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ علم الدین سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے دماغ کا توازن قائم نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی ساس سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ وہ سمجھتا تھا وہ بہت کمزور عورت ہے۔ وہ دل ہی دل میں زبیدہ کی دماغی حالت پر افسوس کرتا رہا، مگر اس کا علاج اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے کئی دوستوں سے مشورہ لیا، ان میں سے چند نے اسے کہا کہ وہ زبیدہ کو پاگل خانے میں داخل کرا دیں، مگر پاگل خانے کے خیال سے ہی اسے وحشت ہوتی تھی۔ اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا، وہ سارا وقت گھر رہتا اور زبیدہ کی دیکھ بھال کرتا، مبادہ وہ کسی روز کوئی خطرناک حرکت نہ کر بیٹھے۔ علم الدین کے گھر پر ہر وقت موجود رہنے سے زبیدہ کی حالت کسی قدر درست ہو گئی، لیکن اس کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ دکان کا کاروبار کون چلا رہا ہے اور کہیں وہ آدمی جو کاروبار چلا رہا ہے غبن تو نہیں کر رہا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے شوہر سے کہا، تم دکان پر کیوں نہیں جاتے؟ جانم، میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب تھوڑے دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مگر دکان کس کے سپرد ہے؟ نوکر ہے، وہ سب کام کرتا ہے۔ کیا وہ ایماندار ہے؟ ہاں ہاں، بہت ایماندار ہے، دمڑی دمڑی کا حساب دیتا ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟
जुबैदा ने बहुत मुतफक्किर होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र ना होगी, बाल बच्चेदार हूं, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। अगर आपका नौकर आपका रुपया मार ले गया तो ये समझिए कि बच्चों। जुबैदा, उनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है, तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है, लेकिन बाज़ औकात माँ को अपनी औलाद के मुतालिक सोचना ही पड़ता है। इल्मुद्दीन परेशान था कि क्या करे। जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती रहती, उनकी जुराबें धोती रहती। कई बार उसने अपने शौहर से कहकर मुख्तलिफ साइज़ की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई जिनको वो हर सुबह पॉलिश करती। इल्मुद्दीन सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता। वो सोचता कि शायद उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। उसके गुनाह क्या थे, इसका इल्म उसको नहीं था। एक दिन इल्मुद्दीन का एक दोस्त उससे मिला। उसका दोस्त बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने अपने दोस्त से उसकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से मुआशका हो गया था और अब वो हामिला हो गई है, प्यार हो गया था और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस्तकात के तमाम जरिए इस्तेमाल किए गए मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्मुद्दीन ने कहा, देखो इस्कात विस्कात की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में अभी कुछ दिन थे। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को बारहा यकीन दिलाया कि वो हामिला है, प्रेग्नेंट है, और एक माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज़्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दाश्ता के लड़के को के लड़का पैदा हुआ तो उसने उसे जुबैदा के पास लिटा दिया जो सो रही थी और फिर उसे जगाकर कहा, जुबैदा तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी, देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबैदा ने करवट ली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा लेटा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने कहा, लड़का है, अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे। और मुझे इसका इल्म ही नहीं, मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई। इल्मुद्दीन ने कहा, हाँ ऐसी ही कुछ बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया है। दूसरे रोज सुबह सवेरे जब इल्मुद्दीन की आंख खुली तो उसने देखा कि जुबैदा लहू लुहान है। उसके हाथ में उसका कट थ्रोट उस्तरा है और वो अपनी छातियां काट रही है। उसने आगे बढ़कर जुबैदा के हाथ से उस्तरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है लेकिन मेरी छातियों में दूध ना उतरा, लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ ना कह सकी। खून से लुथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगाई और हमेशा की नींद सो गई। जिस दिन जिंदगी में खुद से मिलने की ख्वाहिश हो, जिस दिन जिंदगी में खुद को जानने की ख्वाहिश हो, हम कितने गंदे और कितने अच्छे हैं और कितने बटे हुए हैं, कितनी इंसानियत और कितना नफरत हमारे अंदर भरी हुई है, उस दिन मंटो के करीब आ जाइएगा।